सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरीम का मैजिक। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है ना, सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट से कर रही हूँ। आज रोटियाँ बनी नहीं थी तो मैं ना नॉर्मल से जो है अंडे फ्राई कर लिए थे और दो ब्रेड के स्लाइस जो है वो भी मैं तवे पे ही सेक रही थी और फिर चाय, और यही मेरा ब्रेकफास्ट होने वाला है। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूं। आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है एंड आज ही के दिन हमें जो है ना रेस्टोरेंट भी जाना है, क्योंकि मेरे जो नौशे भाई हैं, जो बहनोई साहब हैं, वो वापस जाने वाले हैं अपने जॉब के लिए। तो हम लोग जो है लास्ट मतलब एक दो दिन ही बचे हैं, तो हमारे घर के तरफ से उनकी फैमिली को हमने इनवाइट किया था रेस्टोरेंट में और वहीं पे हमने डिनर का प्रोग्राम रखा है। तो वो भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर के पास जाना है और उससे पहले अभी हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पर मेरा जो ब्रेकफास्ट है ये रेडी हो गया है और इसे मैं खा लेती हूँ। तो डॉक्टर को दिखा करके जो डस्टिंग पाउडर उन्होंने सजेस्ट किया वो मैं ले ली, और उसके बाद मुझे भूख लग गई थी क्योंकि मैं ना आज प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं किए थे और लंच की भी नहीं हूँ, तो मुझे लस्सी पीने का मन कर रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी लस्सी कॉर्नर पर। तो वैसे यहाँ की काफ़ी फेमस लस्सी है ये, और कोकोनट अगर पसंद नहीं है किसी को तो अच्छा नहीं लगेगा, अदरवाइज़ काफ़ी थिक और क्रीमी सी ये लस्सी थी और 55 रुपीस में मुझे ठीक ठाक लगी। अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ और आज मैं आप लोगों के साथ ना रेडी होते होते कुछ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। ये है स्विस ब्यूटी का जो है ना हाइलाइटर है, ये मेकअप बेस का काम करता है एक्चुअली, जो है ना रियल मेकअप बेस बनाने में ये आपको हेल्प करेगा। नेचुरल टिंट जो है ना 01 मेरा शेड है और इसी के बारे में मुझसे किसी ने पूछा था जब मैं लाइव आई थी, तो आज मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये काफ़ी सही क्वांटिटी में आती है, आउटर बॉक्स जो है ना वो है ये, और प्राइस इसकी 429 रुपीज़ है। शेल्फ लाइफ इसकी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स है और इसे आप अपने मेकअप बेस के तौर पे या प्राइमर के तौर पे यूज़ कर सकते हो। शेल्फ लाइफ एक्चुअली इसकी 2023 से 27 तक है, तो काफ़ी टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। और कितना कम हो रहा है ना, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल में है तो वो भी पता चल जाएगा। पंप आता है इसका काफ़ी ईजी और ना काफ़ी ये भी रहता है नीट एंड हाइजीन भी आपको यूज़ करने में, आप पंप के हेल्प से इसे यूज़ कर सकते हो। मुझे ये ना फाउंडेशन के साथ या फिर नॉर्मल मॉइस्चराइज़र में भी मिक्स करके लगाना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ना यहाँ पे मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, ये रेनी का मेकअप ऑयल है और इसकी प्राइस जो है ना 750 है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये, और लेकिन क्वान्टिटी अच्छी खासी है। 32 ml इसकी क्वान्टिटी या 30 ml इसकी क्वान्टिटी है और इतना ज़्यादा इसमें अमाउंट है ना, और आपको यूज़ करते टाइम में बहुत कम अमाउंट लगता है, आप सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप लोगे तो काम कर जाता है। ग्लास ग्लो स्किन ये आपको देता है, ये प्री मेकअप आप ऑयल की तरह इसे डायरेक्ट एज अ ऑयल एक ड्रॉप लेकर के भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं मेकअप बेस में इसे ऐड करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इतनी गर्मी में भी ये इतना अच्छा वर्क करता है ना, इफ़ यू हैव द ऑयली स्किन तो भी आप इसके साथ जा सकते हो, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और इतना कम क्वांटिटी इसका लगता है कि आप इसे काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो, 3 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है। और ये स्किन को आपका बेसिकली क्या कहते हैं ना, प्रिपेयर मतलब कि प्रिप कर देता है आपके मेकअप एप्लीकेशन के लिए, तो बहुत सही लगता है। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना आता नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा फाउंडेशन, ये लिक्विड फाउंडेशन लैक्मी का मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, तो कभी कभार ये डेली यूज़ के लिए या आप कहीं बाहर बाहर जा रहे हो उसके लिए ठीक है, पार्टी के लिए
उतना ज़्यादा कवरेज नहीं देता है। तो ये मैं लैक्मी का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन ली हूँ, उसके साथ ही मैंने जो है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लिया है टिंट वाला, और ये ऑयल का एक ड्रॉप मैं ली हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा बेस बना लेती हूँ और ये काफ़ी अच्छे से स्किन पर मेरे चला जाता है, बहुत नेचुरल लुक इससे आता है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरा बेस तैयार है। साथ ही ना अपने मेकअप को कम्प्लीट करने के लिए मैं लास्ट में ये लूज़ पाउडर जो है यूज़ करती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा पाउडर है, मैं पहली बार लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है। और अब हम लोग निकल पड़े हैं रेस्टोरेंट के लिए। हम लोग आज डिसाइड किए थे कि वाइट रोज रेस्टोरेंट जाएंगे और वहीं पे डिनर करेंगे, तो हम सारे लोग जो है निकल पड़े थे। रश आ रहा है, इतना रश है इसलिए हम लोग वापस आइए। तो दोस्तों वाइट रोज रेस्टोरेंट में इतनी ज़्यादा रश थी कि हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता और 10 बजने वाले हैं, हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं और अब देखते हैं कि क्या होगा। जो भी होगा आपको अगले वीडियो में पता चलेगा।